फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मुझे मिल गई है छुट्टी किचन से बस नाश्ते में क्योंकि आज हमारा नाश्ता बाहर से आया है तो सरा ना बहुत ही दिनों से परेशान करी थी फाफड़ा खाने के लिए तो आज उनके अब्बू ने उनकी, उनकी फरमाइश पूरी करी है और सना हम लोग ज़्यादा बाहर का खिलाते नहीं हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं इन लोग इसलिए ज़्यादा बाहर का खिलाते नहीं हैं इनके अब्बू ना सुबह को जाते ना रनिंग करने के लिए तो साथ में सना भी गई थी आज क्योंकि अभी ना छुट्टी चल रही थी तो वो भी चली गई थी साथ में तो आते वक्त ना वो बहुत ही जिद करी खाने के लिए फाफड़ा तो इसके वजह से उनको लेना पड़ा और अभी लेकर आ गए हैं तो सब लोग अभी गए हैं फ्रेश होने के लिए तब तक मैं यहाँ पर नाश्ता भी निकाल दे रही हूँ और इसका जो चटनी रहता है ना फाफड़ा का वो मुझे बहुत पसंद है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ये तो ये रहा हमारा आज का गुजराती नाश्ता कचौरी फाफड़ा और ढोकला और अभी आ गई है सना तो अभी हम लोग मिलकर खाएंगे तो कुछ दिन पहले मैं बाहर गई थी तो उधर ना रास्ते में एक बहुत ही बड़ा सा नर्सरी मुझे दिखा तो वहाँ से ना मैं दो मनी प्लांट लेकर आई थी तो प्लांट को लाते ही साथ ना उसे तुरंत ही प्लांटिंग नहीं करना चाहिए नहीं तो वो ना मर जाता है और वो नहीं ग्रो कर पाता ऐसा गलती ना मैंने पहले भी करी थी इसलिए ना मैंने इस बार दो तीन दिन ऐसे ही रहने दिए लाते उस लाने के बाद तो आज मैं उसको प्लांटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने पुराने से गमले लिए हुए हैं उसमें ये मैं डाल दे रही हूँ अगर ये ग्रो हो पाता है तो फिर हम इसे दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है प्लांट वगैरह लगाना उसे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और घर में प्लांट लगाने से ना बहुत ही अच्छा लगता है लुक घर का बहुत ही खूबसूरती बढ़ जाता है तो फिलहाल ना मैं सिर्फ मनी प्लांट लेकर आई हूँ अगर ये ग्रो हो पाता है ना मुझसे तो फिर मैं दूसरा प्लांट लेकर आ रहा हूँगी और बच्चे हैं ना घर में तो उन लोग रहने नहीं देते हैं इसकी वजह से मैं पहले से नहीं लाती थी पुस्यार, पुस्यार। ये मेरा तो ना आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो यहाँ पर एक किलो के करीब मैंने मटन लिया हुआ है उसे मैंने अच्छे तरीके से धो के उसे मैंने रख लिया था ताकि इसका पानी निकल जाए तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसन का पेस्ट तो अब अच्छा रहेगा कि ताज़ा डालें तो उसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो अब इसमें हम डालेंगे नमक धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर गर्म मसाला पाउडर सारे मसाले जो हम बेसिकली सब डालते हैं ना वो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डालेंगे ताकि ना हमारा मसाला जो है वो मटन के अंदर अच्छे से टेस्ट आ जाए फीका ना लगे खाने में अभी ना हम सिर्फ मटन को गला लेंगे तब वो इतना ही मसाला डालेंगे जितना कि अभी इसमें हमें लग रहा है तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े ही मसाले डाले थे तो सारे मसालों को एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें आधा गिलास के करीब हम पानी डालेंगे तो अभी ना बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा नहीं तो फिर उसको बाद में सुखाने में बहुत ही टाइम जाएगा तब हम ढक्कन लगा इसे अभी हम चढ़ा देंगे तो जब तक हमारा मटन पक रहा है ना तब तक हम चावल भी धोकर रख लेंगे तो जितना मैंने मटन लिया है उतना ही हम मैंने चावल भी लिया हुआ है तो देखिए इस तरह से जब तक साफ पानी ना आ जाए तब तक इस तरह से हमें धो लेना है इसे ना चावल भी बहुत ही खिले खिले बनते हैं और बहुत ही वाइट बनते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा एक सीटी आ गया है मटन में तो अब हम गैस कम कर लेंगे और इसे हम दस पंद्रह मिनट तक हम पका लेंगे जब तक कि हमारा एटी तक हमारा ये मटन ना पक जाए तो ना अब हम क्या करेंगे कि तब तक हम यहाँ पर प्याज भी काट लेंगे तो एक किलो मटन के लिए यहाँ पर मैं इस तरह से चार प्याज लेती हूँ तो इसे हम फ्राई करेंगे इसका हम बिरिस्ता बनाएंगे तो इस तरह से हमें पतले पतले हमें लंबे लंबे में हमें काट लेना है और काट के ना सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि इस तरह से आप हाथों से इसका लच्छा निकाल लें तो बहुत ही अच्छे से फ्राई होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं तो अब ना मैं यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है एक तरफ़ मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है दूसरी तरफ मैं यहाँ पर मसाला तैयार करेंगे उसके लिए भी यहाँ पर मैंने भगोना चढ़ा लिया है तो ना मैं बिरयानी भी सरसों का तेल में ही बना रही हूँ आप चाहे तो रिफ़ाइंड ऑयल ले सकते हैं क्योंकि ना मैं आजकल इसी तेल खा रही हूँ तो इसलिए मैं इसी तेल का यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो रिफाइंड तेल ले सकते हैं तो धुआँ उठने तक मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था तो अब इसे यहाँ पर डाल दिया है मैंने प्याज तो हम प्याज को भी बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे ना हम तेज़ फ्लेम में ही फ्राई करेंगे ताकि जल्दी से हमारा प्याज फ्राई हो जाए तब तक ना मैं जो पानी हैं गर्म होने के लिए तब तक इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च है और इसमें नींबू मैंने स्लाइस करके काट कर डाला हुआ है और पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता और इसमें हम नमक डालेंगे नमक ना हमें चावल के हिसाब से नहीं डालना है बल्कि हम जितना पानी डाले हैं उस हिसाब से हमें नमक डालना है तो ही हमारा चावल में अच्छे से नमक का टेस्ट आएगा तो यहाँ पर मैंने अभी ढक लिया है और इधर हम प्याज ही भी, भी साथ ही साथ हम फ्राई करेंगे देखिए यहाँ पर हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया इसे ज़्यादा हमें और नहीं फ्राई करना नहीं तो ये ना बाद में और काला पड़ जाता है क्योंकि इसे हम निकालते ना फिर भी इसका कुकिंग प्रोसेस चालू ही रहता है तो फिर वो ज़्यादा काला पड़ जाता है तो इस तरह जब रहे तभी निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे प्याज मैंने निकाल लिए और इसे हम प्लेट में फैला कर रख देंगे तो इस तरह से ना बहुत ही अच्छे से हमारा बिरिस्ता बनकर तैयार होता है तो अब इसमें हम सारे खड़े मसाले डाल देंगे तेज़ पत्ता हरी इलायची यहाँ पर मैंने काली मिर्च और बड़ी इलायची जावित्री दालचीनी सारे मसाले खड़े मसाले मैंने यहाँ पर डाल दिया तो अब हम ये ग्रीन मसाला डालेंगे तो इसमें ना मैं अदरक लहसुन हरी मिर्च पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता को मैंने पीस लिया है तो धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता को पीस कर डालने से ना बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को बहुत ही अच्छे से पीस लिया था तो अब हम एक दो मिनट के लिए इसे अच्छे से हम अदरक लहसुन और ये सारे चीज़ों को हम अच्छे से हम भून लेंगे उसके बाद हम बाकी के मसाले डालेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने जो पानी में उधर खड़ा मसाला नहीं डाला था तो उसमें भी मैं वही सारे मसाले इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ ताकि चावल में भी फ्लेवर आ जाए आप ना चाहे तो पानी में यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं डाला है सिर्फ इसमें नींबू मैंने डाला था उससे भी चावल अच्छे से खिले खिले बनते हैं तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसे भून लेंगे उसके बाद हम सारे मसाले फिर से हम डालेंगे तो देखिए एक बार मैंने अच्छे से मिला लिया देखिए तेल सेपरेट होने लगा था तब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे तो नमक ना हम मटन में भी यूज किया है तो उस हिसाब से हम यहाँ पर नमक डालेंगे फिर यहाँ पर मैंने मसाले सारे डाले हैं दो चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर आधा चम्मच मैंने हल्दी भी डाला था और लाल मिर्च पाउडर भी डाला था मैंने दो चम्मच तीखा अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर लाल मिर्च भी डाला है दो चम्मच और हरी मिर्च भी मैंने दो डाला था पीस तो यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी है तीखा तो अब हम सारे मसालों को हम मिला के अच्छे तरीके से हम इसे भून लेंगे जब तक कि हमारा मसाला सेपरेट ना होने लगे तब तक, तक हम भुनेंगे अब यहाँ पर पानी में भी उबाल आ गया था तब इसमें हम चावल डाल देंगे और ना एक बात का ध्यान रखना तो चावल का पानी अच्छे से उबल आ जाए तभी आपको चावल डालना नहीं तो ना फिर अगर आप ठंडा में डाल देंगे तो वो फिर अच्छे से चावल नहीं बनता है खिला खिला तो अब यहाँ पर एक बार मैंने अच्छे से मिला लिया उसको और मैंने यहाँ ढक्कन लगा दिया तब तक यहाँ पर देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है तेल सेपरेट होने लगा है तो अब इस टाइम में हम दही डाल देंगे और दही मैंने एक कटोरी लिया है उसे मैंने अच्छे से फेर लिया था पहले और गैस को यहाँ पर आप बंद कर सकते हैं या फिर आप पूरा लो कर सकते हैं और थोड़ा सा मसाला को ठंडा होने दीजिएगा उसके बाद ही इसमें डालिएगा नहीं तो ना कई बार दही फट जाता है तो इसके वजह से आप यहाँ, यहाँ पर गैस बंद भी कर सकते हैं और दही डालने के बाद आपको लगातार चलाते रहना है एक मिनट के लिए उसके बाद आपको तेज करना है गैस तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पर मिला लिया और यहाँ पर देखिए हमारा दही वग़ैरह बहुत ही अच्छे से भुन गया है तेल देखिए किस तरह से सेपरेट होने लगा है तो अब इस टाइम में हम डाल देंगे मटन जो हमने पका कर रखा है तो पानी के साथ में ही यहाँ पर हम मटन डाल देंगे और हम इसे अब पानी सुखाने तक ऐसे हम मटन को अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर देखिए कितना सारा मटन से पानी निकला मटन को धोए थे ना तो उसमें भी थोड़ा पानी था फिर ऊपर से मैंने पानी डाला इसके वजह से देखिए कितना सारा पानी निकला है अब ना इसमें हम आलू डालेंगे आप चाहे तो इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं मेरे हस्बैंड को ना बिरयानी में आलू बहुत पसंद है इसलिए मैं यहाँ पर डालती हूँ और अब यहाँ पर देखेंगे अब हमारा चावल भी पक गया है तो 80% परसेंट तक हम इसे चावल को पका लेंगे तो देखिए इस तरह से जब टूटने लगेगा तब हमारा चावल बनकर कर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा चावल बन गया है तो अब हम बंद करके इसे हम छान लेंगे तो मैंने इसे स्टेनर पर ही छान लिया था तो देखिए यहाँ पर मैं इसे छान ले रही हूँ और देखिए हमारा कितना अच्छा सफ़ेद और खिला, खिला चावल बना है यहाँ पर मटन को मैंने भून लिया अब थोड़ा सा पानी बचा था तो अब इसमें हम बिरयानी का मसाला डालेंगे तो यहाँ मैंने आधा पैकेट मैंने बिरयानी मसाला डाला है और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे और एक मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे अब ना इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता पुदीना पत्ता और प्याज जो हमने बिरिश्ता बनाकर रखा था वो अब हम डालेंगे उससे ना बहुत ही अच्छा ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आता है प्याज का तो यहाँ पर मैंने आधा डाल दिया आधा हम बाद में लेयर लगाने के वक्त हम डालेंगे तो सारे चीज़ों को हम मिला लेंगे और दो तीन मिनट के लिए हम पका लेंगे सारे पुदीना पत्ता वगैरह सारे चीज़ों को तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में तो देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से मिला लिया एक मिनट के लिए अब यहाँ पर हम लेयर लगाएंगे अभी ना मैं गैस पूरा लो कर दी हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं लेयर लगा रही हूँ तो सबसे पहले मैंने धनिया पत्ता पुदीना पत्ता फिर यहाँ पर मैं बिरिश्ता डाली हूँ देखिए कितना अच्छा से क्रिस्पी और कितना बढ़िया कलर आया है बिरिस्ते में अब हम सारे चावल डाल देंगे आप चाहे तो दो लेयर से लगा सकते हैं पर यहाँ पर मैंने एक ही लेयर लगाया हुआ है अगर आपके पास ज़्यादा चावल है तो आप दो लेयर लगा लीजिएगा तो सबसे नीचे हमारा मटन था उसके बाद हमारा यहाँ पर चावल आ गया अब हम सारे चावल को ना अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ से और फिर हम सेम वैसी चीज़ का हम फिर से लेयर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैं बिरिस्ता डाल रही हूँ फिर उस पर से हम धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता डालेंगे तो यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े दोनों चीज़ें मैंने डाल दिया है अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर आप अपना पसंद का कोई सा भी कलर ले सकते हैं मैं यहाँ पर लेमन येलो कलर का ली हूँ और मैंने यहाँ पर हरा कलर भी लिया है आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया अब इसमें हम घी डालेंगे तो घी यहाँ पर मैंने दो तीन चम्मच के करीब डाल दिया ऐसे ना बहुत ही अच्छा खुशबू आता है बिरयानी में और ना बिरयानी में बहुत ही टेस्टी बनती ही बनती है और चावल भी बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं तो देखिए मैं इस तरह से चारों तरफ से मैंने यहाँ पर घी डाल दिया और आप ना चाहे तो इसमें केसर भिगो कर भी डाल सकते हैं और फिर मैंने यहाँ पर ऊपर से कपड़े में लपेट के मैंने ढक्कन लगा लिया और ऊपर से मैंने एक भारी सा चकला रख दिया है और ना मैं पहले ही तवा को अच्छे से मैंने गर्म कर लिया था तो अब हम इसके ऊपर हम दम लगाएंगे इसे ना खाना हमारा जलेगा नहीं नीचे का तो अब हम लो फ्लेम करके ना इसे पैंतालीस मिनट हम इसे दम लगाएंगे और बिरयानी में जब तक रायता ना हो तब तक बिरयानी फीका लगता है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता तो सबसे पहले मैंने खीरा काट रही हूँ उसके बाद मैंने प्याज भी लिया है आप अपने पसंद का कोई सा भी आप यहाँ पर सलाद बना सकते हैं मैं सिर्फ खीरा और प्याज में ले रही हूँ तो सारे चीज़ों को मैं काट कर ले रही हूँ आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने दही भी लिया हुआ है उसे मैंने अच्छे से पहले फेंट लिया अब हम सारे चीज़ें इसमें हम डाल देंगे तो सारे चीज़ों को पहले मैंने अच्छे से ऐसे मिला लिया अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नम नमक डाला हुआ है और ना मैं थोड़ा सा शक्कर भी डाली थी वो मिस हो गया क्लिप लगता है मुझे वो सूट नहीं हुआ हमारे घर में ना मीठा रायता ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा शक्कर भी डालती हूँ साथ ही यहाँ पर मैंने भुना जीरा पाउडर और काला नमक डाला है और इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है रायते में आप ना इसमें चाहे तो पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता भी काट कर डाल सकते हैं तो सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और ये हमारा बहुत ही सिंपल सा रायता बनकर तैयार हो गया है और बिरयानी बनाने के बाद देखिए क्या हाल हो जाता है किचन का कितना सारा बर्तन यहाँ पर जमा हो गया है तो ना मैं साथ ही साथ सारे बर्तन यहाँ पर धो के रख लूँगी नहीं तो बाद में ना बहुत ही ज़्यादा एक टाइम में हो जाएगा धोने के लिए तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर किचन भी समेट ले रही हूँ ताकि मुझे बाद में आसानी हो और साथ में ना मैं यहाँ पर किचन वगैरह भी मैं पोछ ले रही हूँ गैस वगैरह जो मसाला वगैरह छिड़का रहता है ना वो सारे मैं यहाँ पर पोछ ले रही हूँ ताकि मुझे बाद में ना पोछना पड़े और इधर ना मेरा बिरयानी भी बनकर तैयार हो गया था तो मैंने उसका गैस भी बंद कर दिया था तो इस तरह से साफ़ सुथरा किचन देख कर ना किसको किसको सुकून आता है वो जरूर कमेंट करिएगा क्योंकि ना मुझे बहुत ही सुकून आता है इस तरह से साफ़ सुथरा देख कर और अब मुझे सुकून से खाने को भी मिलेगा अगर आप उस तरह पड़ा रहता है ना तो फिर खाने को भी मन नहीं करता जब 40 से 45 मिनट हो गया था ना तो मैंने गैस बंद कर सिर्फ छोड़ा था और उसके बाद मैंने 10-15 मिनट ऐसा ही छोड़ा उसके बाद मैंने इसका ढक्कन निकाला है देखिए और ये ना बहुत ही ज़बरदस्त सा बहुत ही खुशबूदार हमारा बिरयानी बनकर तैयार हुआ था और इसका ना एक चावल खिला, खिला खिला बना था ऐसा नहीं कि ओवर कुक हुआ या फिर ये पका नहीं हो बहुत ही परफेक्ट बना था और बहुत ही खुशबूदार बना था आप एक बार इस तरीके से बनाकर किसी को भी खिलाएंगे ना तो आपके तारीफ़ करते नहीं थकेंगे क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मस्त बनकर तैयार होती है तो एक बार तो इसे ट्राई करना तो बनता है तो अब ना मैं इसे प्लेट में भी निकाल के आपको दिखा रही हूँ देखिए एक एक चावल खिला खिला है देखिए बहुत ही मस्त बना था और ना घर में बहुत ही पसंद आए थे सबको बहुत ही मज़े से सब लोगों ने खाए तो देखिए यहाँ पर मैं इस प्लेट में निकाल रही हूँ आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना मस्त बना था तो इसे एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा आपको बहुत पसंद आएगी तो अब मैं इसमें थोड़ी सी रायता डाल रही हूँ क्योंकि इसके बिना तो बिरयानी अधूरा लगता है मुझे और अगर इसी प्रकार से आप चिकन का भी बिरयानी बनाना चाहते हैं ना तो वो भी बहुत ही मस्त बनेगा इसी प्रकार से आप बनाइएगा तो उसका भी टेस्ट तो ऐसे ही सेम आएगा तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा देखिए शाम को हम को लेकर चले गए थे बाहर खेलने के लिए क्योंकि ना दिन भर घर में रहता है तो सिर्फ वो टी वी देख देख रहता है इसलिए उसे शाम को थोड़ा बाहर ले गए थे घूमने के लिए सना और अफहना दोनों साइकिल चला रही थी उधर तो बस आज के लिए इतना ही है अगर आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी ब्लॉग कैसी लगती है तो ठीक है आज के लिए इतना ही तो मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट वीडियो में वालेकुम खुदा हाफिज़